प्रिय छात्रों, आज का हमारा टॉपिक है वर्ड का डिफरेंट मीनिंग और उसका डिफरेंट उपयोग। ये खास करके पहला क्वेश्चन जो आता है अनसीन पैसेज, उसके अंत में क्वेश्चन के बाद एक नंबर करके चार पांच दे दिया जाता है ताकि इसके समान शब्द को लिखने के लिए, तो इसमें बहुत काम आएंगे और इसमें सॉलिड नंबर भी मिलेगा, ये ध्यान में रखने की है। और खास करके 9, 10, 12 वाले को जब भी एग्जाम हो रहा है उसको इसके लिए बहुत ही लाभदायक है, ये ध्यान में रखते हुए हमने अभी ये करना है। अनसीन पैसेज के तरीके बताने हैं और इसलिए वर्ड का लिखना जरूरी है, इसलिए उसको ध्यान में रख कर के अभी सुनेंगे सीखेंगे। और पहला वर्ड है सिमिलर मीनिंग लेकिन डिफरेंस इन यूज। जैसे रिफ्यूज होता है इनकार करना, लेकिन हर जगह हम रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं, किसी काम को करने से इनकार करना होता है रिफ्यूज। डिनाय दूसरा वर्ड है। डिनाय का मतलब होता है अभियोग से इनकार करना, कोई हमको किसी पर अभियोग लगाया गया कि आपने ये गलती किया है, लेकिन वो यदि इसको नहीं मानता है तो इसको कहते हैं डिनाई, इनकार करना। डिक्लिन इनकार करना, मना करना, कोई काम करने के लिए कहे किसी को और डिक्लिन कर दिया कि नहीं हमको नहीं करना है, हमें टाइम नहीं है, कुछ भी बहाना बनाया, तो उसको कहते हैं डिक्लिन। रिजेक्ट किसी भी वस्तु को अगर किसी को देते हैं तो अगर पसंद नहीं आता तो रिजेक्ट करते, नहीं ये हमको नहीं चाहिए वो चाहिए, तो इस जगह पर हम कहेंगे इस वर्ड के लिए रिजेक्ट। तो इनकार करने का शब्द हुआ रिफ्यूज, डिनाय, डिक्लिन और रिजेक्ट। ठीक इसी तरह से डिसअलाउ कहते हैं प्रार्थना और स्वीकार करना। अगर हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, कोई प्रार्थना करते हैं, तो उसको यदि मान्यता नहीं मिली तो उसको कहते हैं डिसअलाउ। अस्वीकार करना हर जगह एक ही तरह का वर्ड नहीं दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है डिसेंट, असहमत प्रकट करना। अब हम किसी को अपना मत बताए लेकिन वो हमारे विचार से सहमत नहीं हुआ तो उसको कहते हैं डिसेंट, या डिसअलाउ नहीं कहेंगे डिसेंट कहेंगे। कंट्राडिक्ट खंडन करना, किसी वस्तु के संबंध में हम अपना पक्ष दिए, अपना तर्क दिए, ऐसे जगह पर होता है अगर उसको खंडन करता, नहीं इस प्रकार से गलत है, इस प्रकार से सही है, इस प्रकार से खंडन करना, उसको कहते हैं कंट्राडिक्ट। टर्न डाउन नेक्स्ट है। टर्न डाउन, हम कोई प्रस्ताव रखे कि इस बार हम लोगों को चलना चाहिए शिमला घूमने के लिए, लेकिन सदस्यों में से कोई सदस्य इसको अस्वीकार कर दिया तो इसको कहते हैं हमारा प्रस्ताव जो था वो नहीं माना गया, इसलिए उसको कहते हैं टर्न डाउन। तो ये टर्न डाउन, कंट्राडिक्ट, डिसेंट, डिसअलाउ, ये सभी अस्वीकार करने के हिसाब से आता जो हर जगह नहीं होता है, इसे ध्यान में रखेंगे। पैसेज में से आपको ये इसके समान शब्द को लिखने के लिए कहा जाएगा, अगर ये याद रहेगा तो आप आराम से नंबर ले आ सकते हैं। नेक्स्ट होता है स्वीकार करना, एडमिट। तो कौन सी वस्तु स्वीकार करना, अच्छी वस्तु नहीं, यह होता है अपराध को स्वीकार कर लेना। हम किसी ने कोई अपराध किया, हमने उसको पूछा और वो स्वीकार कर लिया, हां हमसे ये गलती हुआ है, तो उसको कहते हैं एडमिट। कन्फेस भी होता है स्वीकार करना, कि यदि कोई बड़ा अपराध होता है, हत्या होता है, जुर्म होता है जिसको कहते हैं, उस चीज को मान लेना कि हमसे गलती हो गई है, हमने गलती कर लिया है भूल से या चाहे जैसे, तो उसको कहते हैं कन्फेस। चीट, जब किसी वस्तु से किसी से हम छल करके कोई वस्तु लेते हैं उसको कहते हैं चीट। डिसीव, किसी को धोखा दे करके कोई काम कर लेना, ये होता है डिसीव, छल करना, धोखा देना, उसको कहते हैं डिसीव। डिफ्रॉड, धोखा देकर रुपया पैसा ले लेना या कोई वस्तु ठग लेना, उसको कहते हैं डिफ्रॉड। ड्यूप, मानसिक रूप से
या किसी वस्तु के लिए धोखा दे करके हम ले लिए या धोखा दे दिए, जिसे मानसिक कष्ट हुआ हमको किसी के व्यवहार से, उसको कहते हैं ड्यूप। ठीक इसी तरह से सिंक, सिंक होता है पानी में डूबना, लेकिन कौन सा वस्तु, तो कोई निर्जीव वस्तु को पानी में डूबना कहते हैं सिंक। जैसे जहाज पानी में डूब गया तो वहां हम जहाज और पानी के लिए करेंगे सिंक। ड्रोन, कोई व्यक्ति जीव जानदार जो पानी में डूब करके मर गया उसको कहते हैं ड्रोन। इमर्ज, जब हम किसी मूर्ति को पानी में डुबाते हैं विसर्जन करने के लिए तो उसको कहते हैं इमर्ज। और ये सेंटेंस में इमर्ज के जगह सिंक दे दे तो आपको ये काट करके इमर्ज लिखने हैं। ड्रोन के जगह इमर्ज कर दे तो उसके जगह हम ड्रोन लिखना है, ये ध्यान में रखना है। डीप कहते हैं किसी वस्तु को तरल पदार्थ में डुबाना। जब हम किसी वस्तु को तरल पदार्थ में डुबाते हैं तो उसको कहते हैं डीप। जैसे चाय है उसमें पेपर में बना हुआ, उसको पानी चाय में डुबा डुबा करके हम उसको तरल करते हैं और फिर पीते हैं, उसको कहते हैं डीप। इस तरह ये शब्द साहित्य के लिए, अच्छा लिटरेचर के लिए बहुत ही आवश्यक है और ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, इसे ध्यान रखना आवश्यक है।